हेलो एवरीवन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा किया गया था? तो देखिए, एक दंडित अपराधी ने वायसराय की हत्या की थी अंडमान निकोबार में, तो वो कौन से वायसराय थे? तो ऑप्शन हमारे पास है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड मिंटो। तो सही उत्तर होगा लॉर्ड मेयो। तो देखिए, लॉर्ड मेयो की हत्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल में की गई थी। नेक्स्ट हमारा है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? तो ये है लॉर्ड कर्जन, कर्जन के कार्यकाल में ये पारित हुआ था। तो देखिए, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया और 50,000 पाउंड की धनराशि को आवंटित किया। इस कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत और केंद्रीय स्वरूप देते हुए जॉन मॉसल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के लिए पहली बार जो है किसके लिए पहली बार इतिहास जो ऐतिहासिक हमारे इमारत है उनकी सुरक्षा और मरम्मत के लिए जो है 50,000 पाउंड की धनराशि आवंटित की थी और जॉन मॉसल इसके नए जो है महानिदेशक नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट है, फूट डालो और राज करो नीति की रणनीति किसने अपनाई थी? तो ये लॉर्ड कर्जन है जिन्होंने फूट डालो और राज करो की जो है नीति अपनाई। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसका जो है एक्सप्लेनेशन क्या है। हिंदू जो अंग्रेज हैं, हिंदू मुस्लिम मतभेदों का पूरा लाभ उठाया उन्होंने और फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक हिंदू और विरोधी नीति अपनाई, मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई उन्होंने। इस नीति के प्रतीक के रूप में 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। बंग बंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उपलब्ध न कराना था, बल्कि उन्होंने ये दावा किया था कि इसके दो स्पष्ट उद्देश्य हैं, जैसे एक मुस्लिम हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और दूसरा जो है नव जागृत बंगाल को चोट पहुँचाना, क्योंकि बंगाल से बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती थी तो इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे एक्टिव थे, तो उसकी जो नव जागृत जो बंगाल था उसकी जो है उस पर चोट पहुँचाना जो एक मेन जो है ये भी कारण रहा बंगाल को विभाजन करने का। नेक्स्ट हमारा है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली से स्थानांतरण किसके कार्य में हुआ? तो देखिए, जो कलकत्ता से दिल्ली का स्थानांतरण था राजधानी का, वो लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ। किसके काल में हुआ? लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ और जो है राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो है स्थानांतरित कर दी गई। अब देखिए, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी, उस समय जो भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में जॉर्ज पंचम या महारानी मेरी को भारत बुलाया। किसको? 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी को भारत बुलाया, ठीक है। दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया, तो दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन जो है किया गया और इसे दिल्ली दरबार, और इसके पहले भी एक दरबार था तो इसे द्वितीय दिल्ली दरबार कहा जाता है, और इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी को हस्तांतरण करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट हमारा है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू की? तो रैयतवाड़ी जो है कहाँ पे लागू किया गया था? तो ये आपका मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। कहाँ पे? मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, हेक्टर मुनरो और रीड के द्वारा किया गया था। तो देखते हैं, देखिए स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा, जो स्थायी बंदोबस्त था या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूल हेतु लागू की गई दूसरी जो व्यवस्था थी वो रैयतवाड़ी थी, ठीक है। तो पहले हमारी थी स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी, दूसरी जो है रैयतवाड़ी थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो, ठीक है, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। कौन थे? थॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड। इन्होंने सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 महल, कहाँ पे? तमिलनाडु के 12 महल जिले में इसको लागू किया। तत्पश्चात यह मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्सों में और पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग, ठीक है, कहाँ कहाँ पे? पहली बार जो है इसको तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया गया। उसके बाद इसको मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है कुर्ग। तो इस प्रथा का के अंतर्गत रैयत को भूमि के मालिकाना, ठीक है, जो रैयत होते थे जो किसान है उनको भूमि के मालिकाना और कब्जेदारी का हक जो है दिया गया। ये प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तरीके से व्यक्तिगत रूप से स्वयं को सरकार के
सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। तो जो रैयत थे वो जो है डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट को जाके अपना भू राजस्व देते थे, जमा करते थे। इस व्यवस्था ने कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की, क्या की? कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51%, अब देखिए टोटल कितना, 51% हिस्सा जो है शामिल था इस रैयतवाड़ी उसमें व्यवस्था में। और इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी। तो क्या करते थे, जो लगान की वसूली थी वो जो है उसमें बहुत ही सख्ती दिखाई गई थी, तथा लगान की दर भी काफ़ी ऊंची थी। तो यहाँ पे जो रेट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि कृषक महाजनों के चंगुल में फंसता गया। और कुछ डिफरेंस नहीं था, सारी जो जितनी भी योजनाएं बनाई गई थी, चाहे वो जो है जमींदारी के लिए हो, चाहे रैयतवाड़ी के हो, चाहे महलवाड़ी के लिए हो, ये सारी जो है शोषणकारी ही थी। तो ये जो है इससे भी इतनी ज़्यादा, ये इसकी दर इतनी ज़्यादा थी कि जो कृषक महाजन थे वो उन्हीं के महाजनों के चंकल में फंसते गए, कृषक जो कालांतर में महाजन और किसानों के मध्य संघर्ष का कारण बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो देखिए निकास का सिद्धांत या थियरी ऑफ ड्रेन भी कहते हैं इसको, जो ड्रेन की थियरी है वो किसने किया था? तो आपके पास ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक और मदन मोहन मालवीय। तो सही ऑप्शन हमारा है दादा भाई नौरोजी। तो देखिए दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थियरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, जो मतलब उन्होंने ये कहा कि जो हमारे इंडिया है, हमारे इंडिया से वेल्थ का ड्रेन हो रहा है और वो जो है ड्रेन होके यूरोप पहुँच रहा है। ठीक है, तो इसी को बहिर्मान बहिर्गमन की राष्ट्रवादी परिभाषा या ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है। तथा भारत में धन संपत्ति एवं माल, जो भारत का धन संपत्ति है और माल इंग्लैंड में हस्तांतरित हो रहा था, जिसके बदले भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक और वाणिज्यिक और भौतिक लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था। ठीक है, अब वो ड्रेन जो वेल्थ का ड्रेन हो रहा था, उसके बदले भारत को कोई भी किसी तरीके के बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो वाणिज्यिक हो या भौतिक हो। इस प्रकार भारतीय दृष्टिकोण में बहिर्गमन का जो अर्थ है क्या है, आयात की तुलना में अधिक निर्यात का होना। ठीक है, आयात जो है हमें किया जा रहा था आयात इंडिया में, ठीक है, लेकिन निर्यात जो है जीरो था, वहाँ पे निर्यात बहुत कम था। तो उनको जो रॉ मटेरियल्स चीज़ें ज़रूरी होती थी वही वो लेते थे, और वो भी जो है बहुत ही मिनिमम रेट में, ठीक है ना। और जो हम वहाँ से इंपोर्ट करते थे वो जो है बहुत ही ज़्यादा, वो कई गुना ज़्यादा जो है मूल्य में होता था। तो दादा भाई जो नौरोजी हैं, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों जैसे इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, तो जो आप ये भी देख लीजिएगा उनका जो लेख है वो है इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वॉन्ट्स एंड नीड्स Wants and means of India, तथा कौन है, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सारी ध्यान रखिएगा, ये सारी बुक्स जो दादा भाई नौरोजी की हैं, इनके माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया एक अन्य प्रख्यात भारतीय नेता रमेश चंद्र दत्त। कौन है, रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को बल दिया। उन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो जो रमेश चंद्र दत्त हैं उनकी जो बुक है वो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने यह मत प्रकट किया कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से चला जाता है। ठीक है, जो टोटल राजस्व है उसका जो है हाफ जो है वो जो है हर वर्ष भारत से चला जाता है। राष्ट्रीय भारतीय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है 1896 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये कि INC ने जो है 1896 में पहली बार जो है कलकत्ता अधिवेशन में जो ये बहिर्गमन का सिद्धांत था उसको क्या किया, स्वीकार किया। और उस समय कांग्रेस की घोषणा की कि देश में, कांग्रेस ने क्या घोषणा की, तो कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का जो कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा है वो है धन का बहिर्गमन। ठीक है, तो अकाल और जो निर्धनता है वो सारी चीज़ें जो है धन के बहिर्गमन की वजह से हो रही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने यह विचार किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? किसने ये कहा कि भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है वो जो है घिनौनी है? तो ये जो है कार्ल मार्क्स कहते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स कहना है कि जो ब्रिटिश की आर्थिक नीति है वो जो है भारत में घिनौनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, कार्ल मार्क्स ने यह विचार, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है और अंग्रेजी हस्तक्षेप से सूत काटने वाला तो लंकाशायर में रहता है, तंतुवाय बंगाल और उसका आर्थिक आधार समाप्त होने के कारण लगभग लुप्त हो गया है। लाखों चरखों और हथकरघों ने असंख्य काटने वालों बुनकरों को जन्म दिया, वे समाज के केंद्र बिंदु बने रहे, किंतु अब इस देश में सूती कपड़े की तो मानो बाढ़ आ गई है। ठीक है ना, तो मतलब क्या है उनका जो है ये मतलब है कि जो उनकी आर्थिक जो नीतियाँ थी वो इस तरीके की थी कि भारत में जो बेरोजगारी चरम पे थी, निर्धनता चरम पे थी, और जितना जो है उससे लाभ था वो सिर्फ जो है यूरोपीय जो हमारे जो ब्रिटेन था उस समय उनको जो है सारा लाभ जा रहा था, लेकिन हमारे जो लोग थे यहाँ पे उनका रोजगार, उनके रिसोर्सेस, उनका जो है जो धन है वो सारा कुछ जो है डाइवर्ट हो जा रहा था ब्रिटेन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो इम्पोर्टेंट है, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय जो है लॉर्ड रीडिंग था। लॉर्ड रीडिंग जो है एकमात्र यहूदी वायसराय था। ठीक है, तो इनका टाइम जो है 1921 से लेकर 1926 तक का था। इसके जो है इनके समय में चौरी चौरा की घटना हुई थी, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था और रॉलेट एक्ट निरस्त हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ था, चौरी चौरा की घटना हुई थी, स्वराज पार्टी का गठन इन्हीं के टाइम हुआ था और जो है रॉलेट एक्ट जो है वो क्या हुआ था, निरसित हुआ था। ठीक है, तो कौन थे ये, थे हमारे लॉर्ड रीडिंग जो पहले जो है यहूदी वायसराय इंडिया में थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 1857 की क्रांति। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1857 या 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था, तो देखते हैं कुंवर सिंह का नाम था या तात्या टोपे का था, नाना साहब का था या मंगल पांडे का था। तो जो सही उत्तर है वो है तात्या टोपे। तात्या टोपे का नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे 1814 से 1859 ईस्वी को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाने जाते हैं और 1857 में भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के येवला, महाराष्ट्र के कहाँ पे, येवला जो है गाँव में हुआ था। वे अपने पिता जो पांडुरंग राव टोपे के साथ बिठूर आ गए थे, उनके पिता का नाम है पांडुरंग राव टोपे, उनके साथ ही बिठूर आ गए थे। ठीक है, जो बिठूर है आपका कानपुर के आसपास की जगह है, जहाँ वो पेशवा के दत्तक पुत्र, पेशवा जो थे उनके दत्तक पुत्र नाना धोधो पंत, ठीक है, इन्हें नाना साहब भी कहा जाता है, और महाराजा माधव सिंह के मित्र बन गए। ठीक है, तो ये किसके, जो नाना साहब और महाराजा माधव सिंह के मित्र बन गए 1851 में। 1851 में जब डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता की पेंशन से वंचित कर लिया, डलहौजी ने क्या किया, नाना साहब को उनके पिता की पेंशन से वंचित कर दिया, तो उधर टाटा टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना जो है ब्रिटिशर्स को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीत कर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया। ठीक है, और तात्या टोपे स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। तो ये था, और अब थोड़ा सा और देखते हैं कि नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कालपी ले गए। ठीक है, जब नाना साहब से अलग हुए तात्या टोपे तो उन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ पे वो ले गए, कालपी ले गए, और रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल गए और दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह किया। ठीक है, तो अब जो है नाना साहब रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलके दोनों ने मिलकर जो है बुंदेलखंड एरिया में जो है विद्रोह का नेतृत्व किया। कहाँ पे किया, बुंदेलखंड एरिया में, बुंदेलखंड एरिया में दोनों ने विद्रोह का नेतृत्व किया। अब देखिए जो ह्यूरोज होते हैं, ह्यूरोज हेनरी रोज, ठीक है, ने ग्वालियर में उस ऐतिहासिक युद्ध में इन्हें हराया जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानादेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया। ठीक है, तो जब रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई तो ग्वालियर जो है खो दिया, और ग्वालियर खो देने के बाद तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र, सागर और नर्मदा क्षेत्र तथा खानादेश एवं राजस्थान के क्षेत्र में सफलतापूर्वक कौन सा वॉर किया, ये गोरिल्ला जो है युद्ध लड़ते रहे। एक वर्ष तक अंग्रेजी सेना उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। ठीक है, एक वर्ष तक जो अंग्रेजी सेना ने थी उन्हें पकड़ने में कामयाब रही। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र, एक उनके विश्वसनीय मित्र थे, उन्होंने उनको जो है क्या किया, धोखा दिया, जिनका नाम है मान सिंह, और उस समय पकड़वा दिया जब वो पारो के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे।
क्या कर रहे थे, पारो के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया। कहाँ लाया गया, शिवपुरी लाया गया, जहाँ सैनिक अदालत द्वारा 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दे दी गई। नेक्स्ट हमारा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो देखिए लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारतीय गवर्नर जनरल थे 1857 के टाइम में। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। उसका जो समय काल है वो 1856 to 62 है। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, कंपनी द्वारा जो नियुक्त है वो अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। सैन्य सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर उन्होंने घटा दी और उनके हाथों से तोपखानों के अधिकार छीन लिया। ठीक है, न्यायिक सुधारों के अंतर्गत इसने क्या किया, कैनिंग ने इंडियन हाईकोर्ट एक्ट द्वारा बंबई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। ठीक है, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट के द्वारा बंबई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह 1856 कैनिंग के समय पारित हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, विधवा पुनर्विवाह 1856 कैनिंग के टाइम ही पारित हुआ था। और इंडियन हाईकोर्ट एक्ट के द्वारा उसने जो है न्यायिक सुधारों के अंतर्गत बंबई, कलकत्ता और मद्रास की स्थापना भी की थी। और सैनिक सुधारों में देखें तो उन्होंने सैनिकों की संख्या घटा दिया था और तोपखानों जो है उनके हाथों से तोपखानों का अधिकार छीन लिया था। ठीक है, तो ये हमारा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाँ, जन आंदोलन। ठीक है, जन आंदोलन देखते हैं। वंदे मातरम जो गीत है वो किसने लिखा, तो देखिए वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। वंदे मातरम गीत चटर्जी की प्रमुख जो है कृति आनंद मठ से लिया गया। कहाँ से, आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथनांक सन्यासी विद्रोह पर है। और ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा जो है उपन्यास जो है रिलेटेड है आपका सन्यासी विद्रोह से, तो आपका ये है वंदे आपका आनंद मठ है और आनंद मठ से ही वंदे मातरम जो है लिया गया है। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में से पहली बार गाया गया। 1896 में कब गाया गया, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में से पहली बार गाया गया। अब देखिए आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतलम का पहली बार अनुवाद किया। देखिए जो कालिदास की प्रसिद्ध रचना है शाकुंतलम, उसका पहली बार जो उसका ट्रांसलेशन है वो जो है किया गया है विलियम जॉन्स के द्वारा। किसने किया है, विलियम जॉन्स ने किया। ठीक है, देखते हैं सर विलियम जॉन्स हैं जो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता, सर विलियम जॉन्स कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। ठीक है, कलकत्ता जो है न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इनकी प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था ने एशियाटिक रिजर्व रिसर्चेज, ठीक है, एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। ठीक है, इसी क्रम में इन्होंने 1789 में कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में जो है अनुवाद किया और इसके 5 संस्करण प्रस्तुत किए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। दयाराम, देखिए इसमें ऑप्शन जो हमारे हैं, दयाराम डिंगुमल, डी के कारवे, रामाबाई महादेव रानाडे कौन थे। ठीक है, दयाराम डिंगुमल, डी के कारवे, रामाबाई जो है आपके थी या फिर महादेव गोविंद रानाडे थे। तो सही उत्तर हमारा डी के कारवे। तो महिला जो है प्रथम महिला जो विद्यालय है विश्वविद्यालय उसकी स्थापना जो है की गई डी के कारवे के प्रयोग जो है प्रयास से। ठीक है, डी के कारवे के प्रयत्नों से बंबई में, कहाँ पे, बंबई में जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवा के उत्थान के लिए, ठीक है, विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा जो विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की। ठीक है, विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की। 1896 में इन्होंने पूना में विधवा गृह की भी स्थापना की। इन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। वर्ष 1958 में इन्हें भारत रत्न जो है प्रदान किया गया। क्या दिया गया, भारत रत्न जो है प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये हमारा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ देखिए,
नेक्स्ट हमारा है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना संबंधित है। तो जो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी है उसकी स्थापना संबंधित है बीजी तिलक से, ठीक है। जो बीजी तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की। तो देखिए इसकी जो सोसाइटी है इसकी स्थापना 1880 में हुआ था। मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में इसका स्थापना किया गया था और 1884 में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई थी। कि कब? 1884 में की गई थी और इस संस्था के संस्थापकों में वी के चिपलुंकर, बीजी तिलक और बीएम मालाबारी प्रमुख थे। कौन थे? वी के चिपलुंकर, बीजी तिलक और बीएम मालाबारी प्रमुख थे, ठीक है। जस्टिस रानाडे ने सोसाइटी के संस्थापक नहीं बल्कि इसके 5 संरक्षकों में से थे, ठीक है ना। अब जस्टिस जो रानाडे थे उसके संस्थापक नहीं थे बल्कि इसके संरक्षकों में से एक थे। और डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी 1880 में स्थापित हुई थी और ये जो है इनकी स्थापना जो है किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, ठीक है। तो आधुनिक भारत में प्रेस का विकास कैसे होता है एक बार देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था? तो जो फर्स्ट जो है न्यूज़पेपर था इंडिया में जो प्रकाशित हुआ था वो था द बंगाल गजट। क्या नाम था? द बंगाल गजट, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो है, भारत का पहला समाचार पत्र जो था वो द बंगाल गजट था। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 ईस्वी में विलियम बोर्ड्स द्वारा, ठीक है। जो आधुनिक भारतीय प्रेस था उसका स्थापना जो उसका आरंभ था वो 1766 में विलियम बोर्ड्स के द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। और 1780 में जेके हिक्की, ठीक है ध्यान रखिएगा, 1780 में जेके हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र को प्रकाशित करना आरंभ कर दिया। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी थी, लेकिन उनके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली, ठीक है ना। जो उनका जो है समाचार पत्र था उसने अपनी नीति नहीं बदली। हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार से बंगाल गजट का अंत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जो सूची है दो उसको मिलान करना है। तो देखिए पहला है भारत मित्र, राष्ट्रमत, राजमित्र, प्रजामित्र और नायक। देख लीजिए एक बार फिर से, भारत मित्र, राष्ट्रमत, प्रजामित्र और नायक। तो जो भारत मित्र है वो है हिंदी में, भारत मित्र किस में है? हिंदी में। राष्ट्रमत किस में है? मराठी में। राष्ट्रमित्र कहाँ पे है? मराठी में। प्रजामित्र कहाँ पे है? बंगाली में। और नायक कहाँ पे है? सॉरी, प्रजामित्र आपका जो है गुजराती में है और नायक बंगाली में, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसको, देखिए हाँ एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। हाँ तो हमारा जो समाचार पत्र है और भाषा है, तो भारत मित्र जो है हिंदी में है, मित्र जो है हिंदी में है, राष्ट्रमत जो है वो मराठी में है, प्रजामित्र गुजराती में है और नायक जो है वो बंगाली में है, ठीक है। तो ये सारे हमारे किस लैंग्वेज में थे ये पूछ रहे थे। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन है? तो हरिजन जो है प्रारंभ किया था किसने? गांधी जी ने, ठीक है। गांधी जी ने हरिजन को आरंभ किया था। तो गांधी जी के साप्ताहिक के समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में हरिजन बंधु और गुजराती में हरिजन सेवक, ठीक है। तो जो हरिजन था वो साप्ताहिक पत्र था, तो अंग्रेजी में हरिजन बंधु था और जो है गुजराती में हरिजन सेवक। अंग्रेजी में जो है क्या था? हरिजन बंधु। गुजराती में जो है क्या है? हाँ नहीं, एक बार फिर से देखिए इसको। जो आपका समाचार पत्र था हरिजन वो अंग्रेजी में था, हरिजन बंधु गुजराती में था और हरिजन सेवक हिंदी में था, ठीक है। तो हरिजन सेवक जो है हिंदी में है, हरिजन बंधु जो है वो गुजराती में है और हरिजन जो था वो अंग्रेजी में था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? कौन सा जनरल था जो अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया था? तो वो नाम है आपका अल हिलाल। क्या है? अल हिलाल, ठीक है। अबुल कलाम आजाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन आरंभ किया। वर्ष 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया। तो क्या किया गया? जो अल हिलाल है उस पे जो है प्रतिबंध लगा दिया गया प्रेस एक्ट के तहत, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जो है, देखिए नीचे स्वाधीनता संग्रामी तथा उनके द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र दिए गए हैं और उनमें से कौन सा गलत जुड़ा है वो हमें बताना है। तो मौलाना आजाद किससे संबंधित है? अल हिलाल अभी हमने देखा, जस्ट लोकमान्य जो तिलक हैं वो केसरी जो है उन्होंने क्या किया, समाचार पत्र निकाला था केसरी। जवाहरलाल नेहरू का है नेशनल हेराल्ड, ठीक है नेशनल हेराल्ड। और महात्मा गांधी का जो है द पानियर, ये गलत है, पानियर उनका नहीं था, जॉर्ज एलन का था।
तो देख लेते हैं। द पोनियर जो है वो समाचार पत्र 1865 में इलाहाबाद के जॉर्ज एलन ने ऐलान किया था। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे इंडियन ओपिनियन, जो है महात्मा गांधी ने और कौन कौन से किया था देखिए, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है देखते हैं कौन सा है। हाँ देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं। नवजीवन एमके गांधी है, बिल्कुल सही है। स्वराज किसका है, टी प्रकाशम, सही है। प्रभात किसका है, एनसी केलकर। और कौमी आवाज अबुल कलाम आजाद की है, ये जो है हमारा गलत है। कौमी आवाज है वो जो है किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की। कौमी आवाज उर्दू अखबार का प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा किसने किया, रफीक अहमद किदवई। ठीक है, रफी अहमद किदवई, लखनऊ से आरंभ किया गया था इसे, और 1997 में इस अखबार का प्रकाशन बंद भी हो गया। ठीक है, कॉमन व्हील किससे जुड़ा हुआ है, तो कॉमन व्हील आपका एनी बेसेंट से जुड़ा है। ठीक है, कॉमन व्हील किससे है, एनी बेसेंट से जुड़ा है। तो देखते हैं, देखिए, कॉमन व्हील मद्रास में प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था, क्या था ये, अंग्रेजी पत्र था जिसका जो है संपादन एनी बेसेंट ने किया था। तो इंग्लिश में ये एनी व्हील था, जो है कॉमन व्हील था। अब सामाजिक जो और धार्मिक सुधार आंदोलन है उसको देखते हैं, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, तो कौन है भारतीय पुनर्जागरण का पिता, तो वो आपके हैं राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो राम मोहन राय हमारे भारतीय पुनर्जागरण के पिता हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था। इनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी में इन्हें पुनर्जागरण जो है पुनर्जागरण का उदय हुआ, और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद के जो पैगंबर हैं वो भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का पिता, प्रथम पुरुष और युगदूत, ये तो ये सारी चीजें जो है वो राजा राम मोहन राय के लिए बोली जाती हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, देखिए, पहला जो है भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो देखिए ब्रह्म समाज को किसने एस्टैब्लिश किया, तो वो जो है राजा राम मोहन राय है। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, व्याख्या जो है, हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन जो है ब्रह्म समाज था, तो हिंदू धर्म में जो पहला सुधार आंदोलन था वो ब्रह्म समाज था। तो सुधार आंदोलन किस लिए था, बहुत सारी कुरीतियां थी, बहुत जो है ब्रह्म समाज की बहुत सारे अपने नियम थे, तो उसमें क्या थे, जैसे मूर्ति पूजा है तो मूर्ति पूजा को वो लोग नहीं मानते थे, और दूसरी ये थी कि एक भगवान की जो है एकेश्वरवाद की पूजा पे वो विश्वास रखते थे। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन है वो ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव था, तो उस पर जो है पाश्चात्य विचारधारा जो थी उसका जो है प्रभाव बहुत ज्यादा था। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म जो है सभा में 1828 में की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है कब की गई थी, ब्रह्म सभा के रूप में 1828 में की गई थी। ठीक है, ब्रह्म सभा के रूप में 1828 में इसकी स्थापना की गई थी, राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी। 1830 में जो है लिखे गए प्रन्यासकरण पत्र में उन्होंने बताया कि इस समाज का उद्देश्य क्या क्या है, तो देखिए समाज का उद्देश्य जो उन्होंने बताया वो था शाश्वत सर्वाधार अपरिवर्त्य ईश्वर की पूजा। ठीक है, क्या है, शाश्वत सर्वाधार अपरिवर्त्य ईश्वर की पूजा, जो सारे विश्व का कर्ता और रक्षक है, ये इनका था। अब जो है एक नया भवन जो है भी इस जो है न्यास मंडल में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को दिया गया, जिसमें मूर्ति पूजा तथा बलि देने की अनुमति नहीं थी। क्या थी, मूर्ति पूजा और बलि देने की अनुमति नहीं थी। राजा राम मोहन राय के उपदेशों का तात्पर्य सभी धर्मों में आपसी एकता और सामंजस्य की स्थापना करना था। इसे एक ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ने का श्रेय जो है किसने दिया, महर्षि देवनंद टैगोर ने, जो है महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने, सॉरी। देखिए इसमें क्या है कि जो है इसे ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय जो है किसने किया, ये महर्षि देवेंद्र टैगोर, कौन है, महर्षि देवेंद्र टैगोर ने किया। वह इस आंदोलन में 1842 में 28 से स्टार्ट हुआ था, और वो 42 में जो है सम्मिलित हुए थे। उन्होंने ब्रह्म धर्मावलंबियों को मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड और
प्रायश्चित इत्यादि से रोका, ठीक है ना, कि मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड और किसी चीज के प्रायश्चित वगैरह से इन्होंने रोक दिया। महर्षि देवेंद्र टैगोर ने केशव चंद्र सेन, ठीक है, महर्षि देवेंद्र टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। तो ठीक है, किसने नियुक्त किया, जो महर्षि देवेंद्र थे वो केशव चंद्र सेन को जो ब्रह्म समाज है उसका आचार्य नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन की वाक्पटुता और उदारवादी विचारों से इस आंदोलन को लोकप्रिय और बना दिया। ठीक है, शीघ्र ही इसका जो इसकी जो शाखाएं हैं वो बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश और मद्रास में खोल दी गई। ठीक है, तो बाद में हम देखेंगे कि जो है डिस्प्यूट होता है कुछ और केशव चंद्र सेन अलग हो जाते हैं, वो अपनी अलग एक समाज बना लेते हैं। ठीक है, देखिए भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ये जो है एक नया जो बन गया है वो भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने अलग होके बना लिया था। तो भारतीय अगर ब्रह्म समाज आएगा तो कौन है, राजा राम मोहन राय है 1828 में। और अगर भारतीय जो है ब्रह्म समाज की बात की जाए तो ये जो है केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, तो देख लेते हैं, देखिए भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1865 में, कब 1865 में, केशव चंद्र से आचार्य की उपाधि छीन ली। ठीक है, उन्होंने आचार्य की उपाधि दी थी लेकिन बाद में आचार्य की उपाधि छीन ली, फलस्वरूप केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और देवेंद्रनाथ टैगोर के तहत जो है शाखा, मूल शाखा को स्वयं आदि समाज के नाम से पुकारा। तो देवेंद्र जो पहला जो हमारा समाज था जिससे जो है वो अलग हुए थे उसका नाम था ब्रह्म समाज, लेकिन अलग होने के बाद जब उन्होंने एक नया जो है समाज बनाया जिसका नाम हुआ भारतीय ब्रह्म समाज, तो जो पहले का जो ब्रह्म समाज था उसको देवेंद्र नाथ टैगोर के तहत वो था उसको आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। और आचार्य केशव सेन के नेतृत्व वाले जो गुट थे उसमें उन्होंने अपने आप को भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। अब देखिए 1878 में नवीन ब्रह्म समाज में पुनः फूट पड़ गई और जब केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया गया तो विरोध में आनंद मोहन बोस, ठीक है, किसने, आनंद मोहन बोस और विश्वनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें भी जो है जो आपका भारतीय ब्रह्म समाज है जिसको नवीन ब्रह्म समाज भी कहते हैं या नव विधान का नाम दिया गया, 1878 में इन्होंने नवीन ब्रह्म समाज में पुनः फूट पड़ गई। ठीक है, नवीन ब्रह्म समाज में या भारतीय ब्रह्म समाज में पुनः फूट पड़ गई, वो इसलिए हुआ कि केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का जो विवाह है वो कूच बिहार के राजा से कर दिया और उसी के विरोध में आनंद मोहन बोस और विश्वनाथ शास्त्री ने एक साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, अब इसमें एक नोट है, देख लेते हैं, 20 अगस्त जो है 1828 को राजा राम मोहन राय ने फिरंजी कमल बोस के मकान में, किसके मकान में, फिरंजी कमल बोस के मकान में जो इस हेतु किराए पे लिया गया था में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, किसके मकान में, फिरंजी कमल बोस में किराए पे मकान था और वहीं पे ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। देखिए ताराचंद्र चक्रवर्ती इसके प्रथम सचिव थे, तो ब्रह्म इसके सचिव प्रथम कौन थे, ब्रह्म समाज के ताराचंद्र चक्रवर्ती प्रथम सचिव थे। देवेंद्रनाथ टैगोर इस समाज में 1843 में तथा केशव चंद्र सेन 57 में सम्मिलित हुए। ठीक है, तो ये हमारा था और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। हाँ देखिए, ये हमने कंप्लीट कर लिया था और ये हमारा हो गया था, तो ठीक है आज जो हम जो है नेक्स्ट वाले हम, हाँ अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते। देखिए देवेंद्र टैगोर एवं केशव चंद्र सेन के मध्य वैचारिक मतभेद होने पर जब 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने औपचारिक रूप से बृहद जो ब्रह्म समाज है अपने आप से उसको पृथक कर लिया तो इसका नामकरण जो है अपने नए समाज का दिया भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, केशव चंद्र सेन का जो था वो भारतीय ब्रह्म समाज था जबकि जो पूर्व में स्थापित ब्रह्म समाज था उसको आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ब्रह्म समाज की जो है आप देखिए इसमें, अच्छा ये जो है आपके सोर्सेज दिए हुए हैं, हाँ देखिए प्रख्यात इतिहासकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के कारण अन्य पुस्तकों में यह तथ्य अपनाए गए हैं और परीक्षा में जो है जब आता है तो देखिए यही होता है कि जो भारतीय ब्रह्म समाज है वो केशव चंद्र सेन का है और आदि ब्रह्म समाज जो है वो सबसे जो पुराना पहले का ब्रह्म समाज था जिसकी स्थापना जो है
राजा राममोहन राय ने की थी, तो उसको जो है, और एक साधारण ब्रह्म समाज ये बना था जब जो है केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज था, नवीन ब्रह्म समाज था, वो टूट गया, तो एक जो है बना था साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, तो ये जो है आपका हो गया। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक जो है कौन है, इसमें ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, बाल गंगाधर तिलक, सूर्यनाथ बनर्जी हैं। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं, भारतीय जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन में के सूत्रधार है वो राजा राम मोहन राय को भारत का नवजागरण का अग्रदूत, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक भारत के पिता, नव भारत के भोर का तारा और भारतीय राजनैतिक क्रांति के अग्रदूत, नवीन भारत के संदेश वाहक के को जाना जाता है इस रूप में उनको। अब यह निम्न से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। किसको? भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया, नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। और इसका एक बार एक्सप्लेनेशन ये भी देख लेते हैं कि जो आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास रखते थे। उनका विश्वास जो है शुद्ध वैदिक परंपरा में था। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा लगाया। क्या नारा लगाया? वेदों की ओर लौटो। उत्तर वैदिक काल से आज तक सभी अन्य मतों को उन्होंने पाखंड और झूठे धर्म की संज्ञा दी। ठीक है, तो देखिए 1863 में उन्होंने झूठे धर्मों का खंडन किया और खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। क्या लहराई? पाखंड खंडनी पताका। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। क्या देखते थे? वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद, जिस पर भारत का पुरातन समाज टिका था, शाश्वत अपरिवर्तनीय धर्मातीत और दैवीय है। ठीक है, उन्होंने वेदों को जो है वेदों की ओर लौटो तथा वेद ही समस्त ज्ञान का स्रोत है। क्या कहा? वेदों की ओर लौटो और वेद ही समस्त ज्ञान का स्रोत है, यही नारा उन्होंने दिया। उन्होंने पुराणों जैसे परिवर्ती जो है हिंदू धर्म के ग्रंथों की प्रामाणिकता को जो है अस्वीकार किया। तो ध्यान रखिएगा कि वेदों जो है वेद हैं, उनको तो उन्होंने जो है कहा कि वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, वेद ही समस्त ज्ञान का स्रोत है ये कहा, लेकिन पुराण जो है और परिवर्ती हिंदू धर्म है उसकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया। उनके विचार से ये पुराण हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियों और अन्य विश्वासों के लिए उत्तरदायी थे। ठीक है, तो ये जो पुराण है उन्होंने कहा कि ये मूर्ति पूजा और अन्य कुरीतियों के लिए जो है क्या थे, ये उत्तरदायी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे पहले हिंदू सुधारक थे जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की रणनीति अपनाई। तो अभी एग्जाम में पूछ सकता है कि किन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की नीति अपनाई और हिंदू विश्वास की रक्षा करते हुए ईसाइयों और मुसलमान आलोचकों के प्रहार के विरुद्ध उन्हें ही दोषों के आधार पर चुनौती दी। ठीक है, उनके ही दोषों के आधार पर उन्हें चुनौती दी। नेक्स्ट हमारा देखते हैं इसी में है, श्रीमती एनी बेसेंट के अनुसार स्वामी दयानंद ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत जो है भारतवासियों के लिए है। उन्होंने क्या कहा? इंडिया इज फॉर इंडियंस। ठीक है, किसने कहा था? भारत भारतवासियों के लिए है। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधारों के प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है, तो स्वामी जो दयानंद है उनके जो है सुधारों के लिए, धार्मिक सुधारों के प्रयासों के लिए उनको जो है भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।